सही ताकत अगर आपको समझनी है तो जो नाम उन्होंने लिया भारत रत्न डॉक्टर एपीजे कलाम, आप सोचिए कि रामेश्वरम के एक सुदूर एक छोटे से गांव से वो व्यक्ति निकलता है और अपनी जीवन की यात्रा करते करते इस देश का एक दिन राष्ट्रपति बन जाता है। तो मेरे ख्याल से तालीम ही वो चीज है जो आपको इतनी ऊंचाई पे ले जाएगी। एक बार जोरदार तालियां एपीजे कलाम साहब के लिए। उनका अंतिम दिन भी वही था कि वो बच्चों को सिखा रहे थे आईआईटी की में, किसी एक लेक्चर के लिए वो गए थे और वहीं पर उनको हार्ट अटैक आया और वहीं से उनकी यात्रा समाप्त हुई। ऐसा समर्पित जीवन हमें देखने का मौका मिला। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने महात्मा गांधी को तो अपनी पीढ़ी में नहीं देखा लेकिन हमने डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को जरूर देखा कि वो दो बैग लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे और दो ही बैग लेकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। ऐसा कौन फिर बिरला ही कोई होगा जिसको हमें फिर अपने जीवन में देखने का मौका होगा। आज मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं जिस अगले गेस्ट को यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं वो इसी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी रह चुके हैं। इसीलिए बात बड़ी प्यारी यह है कि किसी भी संस्था के साथ जुड़ने का मतलब क्या होता है, किसी एजुकेशन संस्था से जुड़ने का मतलब क्या होता है कि वहां के शिक्षक उतने महत्वपूर्ण होने चाहिए, वहां के विद्यार्थी भी उतने महत्वपूर्ण होने चाहिए। मैं उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं जो अपने अध्यापन से, अपनी अध्यापिका से बच्चों को सिखाते हैं। और वहां पर मराठी में ये बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग यहां पर आए हुए उनका भी मैं स्वागत करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये एक राजहंस दडलेला असतो, त्याला शोधण्याचं काम त्याच्या गुरुजनांनी, त्याच्या शिक्षकांनी, त्याच्या पालकांनी करायचं असतं। आप सोचिए कि कोई बच्चा नेशनल एथलीट जब बन जाता होगा उसके पीछे उसकी अपनी तो तमन्ना होती होगी कि मैं नेशनल चैंपियन बनूं, लेकिन उसके माता पिता, उसका समाज, उसका देश, उसका राज्य भी ये चाहता है कि ये बच्चा आगे बढ़े। उसी प्रकार से ये शिक्षक जो है वो भी चैतन्य के झरे हैं। ये बिल्कुल जैसे हम वाटरफॉल कह सकते हैं अंग्रेजी में कि ये शिक्षक भी जो हैं एक वाटरफॉल के जैसे हैं, उसी प्रकार से नेहल वोरा जी का मैं यहाँ परिचय करा रहा हूँ। एक दिन इसी इंस्टीट्यूट में नेहल वोरा जी स्टूडेंट बनकर यहाँ आए थे और आप यकीन मानिए कि उसी संस्था में एक दिन आप गेस्ट बन के जब आते हैं तो मन में कितनी खुशी होती होगी कि सबका हृदय जीत लो आचरण से, जैसे कि मधुगंध वातावरण से, आशीष का मूल्य होता बहुत है, देते नहीं लोग अंतकरण से। ये आशीष का मूल्य है कि आज आप नेहल वोरा जी CDSL के आप CEO हैं और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सेंट्रल डिपॉजिटरी से वाबस्ता हैं और जिम्मेदार हैं। मुकम्मल तारीफ किया जाए तो ये प्रोग्राम का काफी समय इसमें चला जाएगा। मेरा आशय की तरह इनकी भी बहुत हुकूमत है। तमाम मुल्कों में वो शख्स खूबसूरत है। कभी कभी कोई इंसान ऐसा मिलता है पुराने शहर में भी जैसे नई इमारत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं नेहल वोरा जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। ये हम सबके लिए बहुत ही अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। वोरा जी का स्वागत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना आशीर्वचन यहां पर बच्चों को दें। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा कि मैं हिंदी में बोल पाऊं। मेरी वाइफ कई बार कहती है कि आप हिंदी कभी नहीं बोलना क्योंकि आप बोल ही नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से प्रयत्न करूंगा। एट द आउटसेट आई थिंक जो अब तक स्पीकर्स है उन लोग ने कई कई मुद्दे आपके सामने रखे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और करीब 25 साल पहले मैं वो साइट पे था तो यहां पे आके मुझे बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ सुकून कह सकते हैं कि कमिंग बैक टू योर होम एंड स्पीकिंग बैक टू योर ओन पीपल, योर ओन फैमिली इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जॉय। एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक जफर भाई। तालीम और तरबियत, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इनोवेटिव प्रोग्राम एंड उनकी जो पैशन है कि बच्चे के लिए एक एजुकेशन
के साथ एक्सपोजर राइट टाइप का देना, कि जो हर्षल ने बोला कि वो 5% कहां से कब रेलेवेंट होगा, वो एक्सपोजर के तौर पे जो मिल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. एट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आई थिंक वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर इंडिया. एंड टुडे व्हेन वी लुक बैक एट द वर्ल्ड, लुक एट द जियोपॉलिटिकल इश्यूज, यू नो आई स्पीकिंग टू समबडी, अ बिलियनेयर इन अ कंट्री लाइक यूक्रेन टुडे मे बी रनिंग फॉर हिज लाइफ. सो वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ व्हेन यू डोंट हैव ट्रू इंडिपेंडेंस? इट्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल दैट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. और हमारी जो पीढ़ियां जिन्हें अपने फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस की है, अपना टाइम सैक्रिफाइस किया है, कि जिस तरह से हम इंडिपेंडेंट हो पाए और 75 इयर्स तक हम इंडिपेंडेंट ही रहे हैं, तो इससे हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ये स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाएं और इंडिया को इतना मजबूत बनाएं कि जिस तरह से वर्ल्ड में कई कई चीजें हो रही है, उससे आगे बढ़कर इंडिया एक एग्जाम्पल बने कि बाकी सारे देश बोले कि हमें इंडिया जैसा बनना है. ये इंडिपेंडेंस जो है वो एक ही मुद्दे पर रहती है, वो है सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता. तो आप मुझे पूछेंगे कि इससे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, मेरे से इसे क्या रेलेवेंस है, जो हर्षित ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि रेलेवेंस बहुत ही क्रिटिकल होता है. ये बहुत ही मायने रखता है हम सभी पे कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर बन पाए. हम चाहे एंटरप्रेन्योर हो या ना हो, हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है. तो आत्मनिर्भरता ये हमारे लिए बहुत ही अगत्य की एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जिसे हमें मानना होगा. क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा. आई स्टार्ट विद अ स्मॉल काइंड ऑफ एग्जाम्पल, इन एनेक्डोट विच आई लर्नड एज अ पार्ट ऑफ माय management program in this very institute, which had a great impact on me for these last 25 years. It's a very simple story. There was a father and daughter. The father asked the daughter, "Can you give me a cup of tea?" Daughter said, "Sure." So she went and got a cup of tea, saying, "Can you put sugar?" Saying, "Sure." The daughter started putting one spoon of sugar, second spoon of sugar, third spoon of sugar. The father is just looking at the daughter that she is not asking him when to stop. Finally, after 7 spoons of sugar, he said, "Stop. Are you giving me sugar or tea?" She looked at him and gave him those words of wisdom, which I think are critical in our life, saying, "I've put sugar in the tea, but I have not yet stirred the tea. So the sugar sweetness will only come when I stir the tea." And this is the critical ethos. कि हमारे बहुत ही education आएंगे, बहुत exposure आएगा, पर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उसे अपने जीवन में उतारने का, वो stirring का, तब तक वो सिर्फ sugar रहेगा चाय में, but the sweetness of that sugar will not be seen. So this is the most critical part of our philosophy. I would like to quote some very important anecdotes by one person I really admire, is Steve Jobs. अगर आप उनकी स्टोरी पढ़े, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप उनकी स्टोरी पढ़े, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है.
He started off as a small-timer entrepreneur in a garage and created the first trillion-dollar company of the world called Apple. उनके दो शब्द है कि इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर. आई विल एंड सेकेंड इज योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ. ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वॉट इट इज ट्राइंग टू शो दैट यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग वॉट इज रेलिवेंट फॉर मी. हाउ डू आई मेक माई सेल्फ सेल्फ सफिशियंट, हाउ डू आई मेक माई सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ माई थॉट. आई डोंट टू लीड समवन एल्सेस लाइफ बिकॉज मेरी लाइफ वो मेरी है और उसे मुझे आई वॉन्ट टू मेक इट द बेस्ट. टू मेक इट द बेस्ट आई नीड टू बिलीव वॉट आई वॉन्ट टू बी. आई मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाई पीपल बट फाइनली इट्स योर लाइफ विच यू नीड टू मेक इट सेल्फ सफिशियंट. नाउ फॉर मेकिंग योर लाइफ सेल्फ सफिशियंट, वेदर यू आर एन एम्प्लॉयड पर्सन और एन एम्प्लॉयर, यू आर गोइंग टू सेव मनी. हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द ऑडियंस? जस्ट कुड यू रेज योर हैंड्स? एवरी वन. Why? Because your job may be there, not there, your business may be there, not there, the savings are going to help you. What is it that is going to create that savings? What is it that is going to make you self-sufficient when you have a bad day? Is your very savings. And for savings, what is the typical instruments which people used to use? When I was on that side of the table, was mainly bank-based fixed deposit schemes, government-backed security schemes like the Provident Fund, Public Provident Fund, etc. But today, these instruments have not been relevant anymore. I'm not saying they should not be there, but they're losing its relevance rapidly. Because the interest rates are falling and they may not cater to the savings jo meri atmanirbharta ka jo objective hai, that will be able to satisfy that objective. And for that, what is necessary is turning to a portfolio of assets. Kitne log audience se share market mein apna savings karte hain? There are a few hands are not there. So there is this fear factor. Share market, मैं पैसे घुमाने वाला हूं, यहां पे कुछ नहीं हो पाता है, you need to be full time, etc., etc. Answer is wrong. The important thing is that how do you approach this share market with the ultimate objective of becoming self-sufficient and independent. अगर मैं ब्लैंक चेकबुक साइन करके किसी को दे देता हूं और मैं सोचता हूं कि ये फ्रॉड नहीं होगा, तो ये इट्स अ फूल, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. इंस्टेड इफ आई लर्न कि व्हाट इज माय डूज एंड डोंट्स, व्हाट डू आई नीड टू डू सो दैट आई कैन बेनिफिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट बट इंश्योर दैट द रिस्क इज विद इन माई लेवल्स ऑफ टॉलरेंस वेयर आई डोंट गो बियॉन्ड अ पर्टिक्युलर लेवल is the most important feature of being Atmanirbhar. So in terms of, I'll give you another anecdote. Tomorrow if somebody asks you that Virat Kohli will be successful or the Indian team will be successful, who do you think will be successful more? Obviously the Indian team. Why? Because it has many people performing the role singularly as teamwork to succeed and win a match. Virat Kohli may fail or succeed. Both possibilities are there. And Virat Kohli here is only an example. It's not personally driven towards him. It's the individual versus the team.
The same logic appears when you invest in the stock markets. If you put all your things in one, you are being the individualistic saving saver, where the probability of failure is higher. But agar mere paas team hai, puri team hai, and that is portfolio. So I would urge all of you that whilst you may want to invest in stocks, mutual funds is a very important part of the portfolio because it has a variety of stocks. It has a professional which is managing it. And most importantly, jab mujhe paise ki zarurat ho, to 48 hours mujhe paise mil jate hain. So jab, when there is a bad day at work, when there's a bad day in my business, how do I remain Atmanirbhar, self-sufficient? Is to remain invested in other form of assets which are working when I am also not working, which is earning when I am not earning. And ये अगर कोई आपको बोले कि आज आपने पैसे रखे हैं और कल आपके डबल हो जाएंगे, एक साल के बाद डबल हो जाएंगे, वो कभी नहीं हो रहा है. आपको धीरे धीरे धीरे, समुन्दर का पानी, एवरी ड्रॉप क्रिएट्स द ओशन, इसी तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी सेविंग्स पे और डिसिप्लिन रखनी है अपनी सेविंग्स पे. और 5 साल 10 साल के बाद देखिए वो रिटर्न, आपको भी शॉक आएंगे कि मेरे पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए. दैट्स द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड कंपाउंडिंग. यू नो, कई एक बुक में मैंने पढ़ा था कि वेल्थ इज नेवर क्रिएटेड बाय हाई प्रॉफिट हाई मार्जिन्स. वेल्थ इज ओनली क्रिएटेड बाय कंसिस्टेंट मार्जिन्स विच आर प्रिडिक्टेबल बट बाय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट में अर्न करता हूं उससे वेल्थ होती है. प्रिंसिपल पे मैं हाई इंटरेस्ट अर्न करूं उससे वेल्थ नहीं होती है. तो ये सब के पीछे जो बैकबोन होता है स्टॉक मार्केट के लिए कि मेरे को इन्वेस्ट करने हैं, तो जैसे मेरे पास एक बैंक अकाउंट होना है, इसी तरह मुझे एक डीमैट अकाउंट भी रखना बहुत ही जरूरी है. अभी 2-2.5 साल के कोविड जब हुआ, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइको एनालिसिस करे पॉपुलेशन का, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेजर हमें पता चला. हमें लगा जब मार्च 2020 में कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब धंधा ठप हो गया, तब सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट वॉज ओनली काइंड ऑफ द ओनली मार्केट विच कंटिन्यूड without a second of delay. Everybody was working from home. The exchanges, the depositories, the brokers, but more importantly, the investors also. Why was this possible? Because technology has helped in connecting the person to work from home, the broker to work from home, the exchange to work from home, but the market continues. Aur isse kya hua? Participation bada. Kyun participation bada? On one word, trust. So today, when I sit back and think about what CDSL should do or what the market should do, there's just one phrase which I keep on telling myself every single day. And that's my contribution, my vision of Atmanirbhar Bharat. That's my responsibility of those generations who has given me a free India where I am staying. Is I want to build more and more technology which will build trust. The ethos behind all of this is that more and more technology I want to build which will give every individual the power to decide, the power to remain independent, the power to remain Atmanirbhar. I'll just give you a small example. CDSL got set up in 1998. It took 15 years to build the first crore of DMAT accounts.
It took 5 years to build the second crore of demat accounts. It took 1 year to build the third crore of demat accounts. And it took 1 year to build 3 crores of demat accounts. So today, we are standing at about 6.75 crore demat accounts. It's a great journey in terms of the power of technology, which builds trust. More the trust, more the participation. But this is only the surface. As I could see from the audience, only few people want to yet have come into the securities market. It only constitutes about 6 or 7% of our population. I want every Indian to remain independent, to become independent, to be responsible to itself. Not leave it to someone else, give a blank checkbook or a blank slip book and do whatever you wish. No, I want to be responsible for every rupee I am investing in that market. Because whether I am an entrepreneur or not an entrepreneur, I want to make everybody, or the vision is to make every Indian truly independent towards its own savings. So you can be an entrepreneur to your savings. You can be an entrepreneur to whatever investments you are making. And for that, you need to be responsible. You need to be knowing what needs to be done. And today, a lot of people say, you know, it's very strange. There's another very important analogy I keep on drawing. How many people of you order from these online platforms like Flipkart, Amazon? Wow, look at this. So if you have the wherewithal of using technology and trusting that technology to your daily effect, why can't the same logic work in opening a demat account or opening a trading account, but being responsible for that? It's as simple as this. Amazon या Flipkart में क्या करता हूं, पैसे दे रहा हूं, goods ले रहा हूं. शेयर मार्केट में क्या करता हूं, पैसे दे रहा हूं, म्यूचुअल फंड या शेयर्स ले रहा हूं. इट्स द सेम थिंग, बट देर इज अ ब्लॉक कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, धीरे धीरे जाइए, 100 रुपए से, 500 रुपए से, 1000 रुपए से, बट कंसिस्टेंटली एवरी मंथ कीजिए एंड यू विल सी द इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विच यू विल गेट over the next 5-10 years. If I want to build a house, I take a loan. If the loan is for 15 years, 20 years, I am going to be paying EMI every month for that loan. Why? Because my hope is at the end of, I am owning a house which will be mine. Why can't I have that same philosophy of investing an EMI type investments every month into building a corpus which will make me truly independent, truly Atmanirbhar? I would just like to leave these thoughts with you, but just one word of caution, and this is not only for stock markets, that as hamara technology se pala badhte ja raha hai, my life has become this phone. Right from my entertainment to my business to my talking to friends, talking to my family is all through this phone. There is a risk of ensuring that your phone remains safe, because today hacking has become a very, very big risk. So I would urge all of you to be responsible in terms of your how you behave on your phone, because your critical information can get leaked. So remain up to date, and it is in your business to remain that, to remain truly Atmanirbhar. What I would like to conclude is that please spend time in educating yourself towards these newer innovations. There is a lot of momentum,
which is already happening, but if there is a lot of gain which you can do in making yourselves truly independent, truly Atmanirbhar. And I'll end with a quote from the father of the nation, Mahatma Gandhi. Change yourself. You are in control. Thank you. अब मैं यहां पर योगेश कुंदानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सहकारी संजय नून जी के साथ आप मंच पर आए और जितने लोग उपस्थित हैं वो सब लोग तालियां बजाकर उनका यहां पर स्वागत करें। मैं योगेश जी से अनुरोध करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें और संजय जी से भी अनुरोध करता हूं अपना स्थान ग्रहण करें और सायरा जी से अनुरोध करता हूं कि गुलदस्ता देकर उनका हम यहां पर स्वागत करें। ये सेशन जो हमारा है वो कैपिटल मार्केट का सेशन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन अपने जीवन के लिए है। ये किसी एक दिन के लिए नहीं, ये जीवन भर के मंत्र जो हैं। सायरा जी उनका यहाँ पे स्वागत करते हुए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट के योगेश जी और इसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टर एजुकेशन संजय नून जी, नूनस, नमस्ते, गुड इवनिंग आप सबको। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में हम जितना हो सके ये पूरा सेशन आपके सामने रखें। देखिए, जैसे सर ने बताया था, कैपिटल मार्केट काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है। आप खुद का जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर या आप कोई कंपनी में काम भी कर रहे होंगे तो कैपिटल मार्केट की जानकारी, नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है आज की तारीख में। जैसे कि इनॉग्रल सेशन में भी बताया गया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाती है आज के ज़िंदगी में, क्योंकि जो गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हैं या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है वो सब इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते हैं, महंगाई को भी बीट नहीं करते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना है अपने लिए तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसमें आप के इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करके। तो हम वही पॉइंट के ऊपर आज हाईलाइट करेंगे और आपको ये भी हम बताएंगे कि कैपिटल मार्केट में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आज के तारीख में, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये छोटा सा हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसके ऊपर हम आपको अभी मेरे कलीग संजय न्यून्स प्रेजेंट करेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको तीन अकाउंट की बहुत ही ज़रूरत है। एक बैंक अकाउंट, जो आप सब जानते हैं, बैंक हम तो मतलब जैसे जैसे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स हम करते हैं तो हम एकदम सरल भाषा में कोशिश करते हैं लोगों को बताने की कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो जैसे कि आप बैंक अकाउंट कोई भी बैंक में खोलते हैं जो RBI रेगुलेटेड होती है, आप उसमें अपना पैसा डालते हैं तो आप पैसा डाल सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से एक डीमैट अकाउंट होता है जो डिपॉजिटरी में खुलता है, CDSL में, और उस डीमैट अकाउंट में आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे कुछ भी या आप शेयर्स कोई भी परचेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। और जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है मान लीजिए, तो आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स या शेयर्स जो आपके डीमैट अकाउंट में है वो आप सेल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, और आपको विद इन 48 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। तो डीमैट अकाउंट एक्चुअली एक अकाउंट है जिसमें के सब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो उसमें रिसाइड करती है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में RBI रेगुलेटर है, इसी तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम में डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI जो है वो रेगुलेटर है। तो ये तो हो गया कि कैपिटल मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे और सेव करके और इन्वेस्ट करेंगे और वेल्थ जनरेट करेंगे।
दूसरा भी इसका एक कैपिटल मार्केट का पहलू है कि कल को आप जाके एंटरप्रेन्योर बनते हैं और आपको फंडिंग की जरूरत होती है, ठीक है, तो या तो आप प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंड के पास जा सकते हैं। दूसरा एक इमर्जिंग जरिया है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जो दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आज इंडिया की, BSE और NSE, इनका भी एक स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज है, मतलब जिसमें के छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका कैपिटल रिक्वायरमेंट छोटा होता है, वो भी लिस्ट होती हैं। तो उनका भी जैसे कि मेन बोर्ड कंपनीज में IPO आता है, हमने सबने देखा LIC का IPO आया था लास्ट मंथ, इसी तरह से एवरी मंथ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां भी हैं। जैसे कोई कंपनी को मान लीजिए 1 करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अपना प्लांट मशीनरी ऑफिस खरीदने के लिए, तो 1 करोड़ का भी वो IPO मेन बोर्ड नहीं, जो स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज SME एक्सचेंज बोलते हैं BSE NSE का, उसके ऊपर वो अपना IPO लाके 5 दिन में पैसा रेज कर सकती है। तो ये भी आपको एज एंटरप्रेन्योर, अगर आपके पास कुछ आइडिया है, आपने कंसीव किया है उसको और आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको उसको फंडिंग की ज़रूरत है, तो आप बैंक के पास न जाके आप SME सेगमेंट में स्टॉक एक्सचेंज के आके भी आप IPO में आप IPO लेके आ सकते हैं और पैसा रेस कर सकते हैं। पैसा रेस करने का अगेन जरिया जैसे मेन बोर्ड IPO वैसे ही है LIC में। अगर आपको पता होगा लोगों का जो भी 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में उनके डीमैट अकाउंट थे, इसी तरह से SME में भी कोई भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो उसको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 तरह का अकाउंट की ज़रूरत होगी, एक बैंक अकाउंट जो आपके पास ऑलरेडी होगा, और एक ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकिंग अकाउंट हम बोलते हैं जो आप कोई भी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर के पास जाके खोल सकते हैं, और तीसरा है डीमैट अकाउंट जो अगेन आप कोई भी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके और खोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो भी रेप्यूटेड बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं या ब्रोकर्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप एक बार ब्रोकर के पास जाएंगे तो आप अपना ब्रोकिंग और डीमैट अकाउंट दोनों साथ में भी खोल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक अकाउंट पहले खोलना है दूसरा अकाउंट बाद में खोलना है, दोनों साइमल्टेनियसली भी खुल सकते हैं। और एक बार ये अकाउंट खुल जाता है तो आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अब तीसरा पॉइंट जो मैं टच करना चाह रहा था कि क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन भी है, तो हमने हमारे कैपिटल मार्केट में भी लास्ट 10 साल में बहुत सारे इनोवेशन और डिसरप्शंस देखी हैं। पहले आप सबको पता होगा कि पहले स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ करता था, आपने अगर पुराने फोटो देखे होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दलाल स्ट्रीट के, तो एक ट्रेडिंग रिंग हुआ करता था जिसमें के फिजिकली लोग ब्रोकर जाके सौदा करते थे, मतलब मुझे कुछ शेयर बेचना है मेरे कस्टमर का इन्वेस्टर का, तो सामने कोई ब्रोकर रहता था जिसका इन्वेस्टर को बाय करना है, तो हम एक दूसरे को कांटेक्ट करके और फिर वो सौदा करते थे और फिर शेयर्स सेलर से बायर के अकाउंट में जाते थे और पेमेंट सेटल होता था। तो ये तो फिजिकल ईरा था जो 1992-93 तक चल रहा था और लगभग 125 साल पुराना था। अगर आपको पता हो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज दलाल स्ट्रीट के ऊपर है, इसको 147 ईयर्स हो गए हैं। तो ये एक्चुअली इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुआ था उससे भी बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो लगभग 125 साल तक तो फिजिकल वे में ये ट्रेडिंग होता था। 92 में आके गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स लेके आई थी, तो रिफॉर्म्स के जरिए स्क्रीन बेस्ड या ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हुए थे BSE और NSE में 92-93 से। उसके बाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम्स हो रही है, और लास्ट 10 साल में हमने बहुत सारे इनोवेशन देखी है ब्रोकर्स के तरफ से भी, इन द सेंस वो बहुत सारे नए ऐप्स लेके आए हैं, वेबसाइट्स लेके आए हैं जिसके थ्रू आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है ब्रोकर को। आप उसमें लॉगिन करके अपना सिक्योर लॉगिन क्रीडेंशियल्स डाल के, पासवर्ड डाल के, जैसे हम नेट बैंकिंग करते हैं इसी तरह से हम अपना ब्रोकिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके आपको जो भी शेयर्स परचेज करने हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करनी है आप परचेज कर सकते हैं, या बेचना है तो आप बेच भी सकते हैं, और आपका बैंक अकाउंट भी अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट ऑनलाइन हो जाता है। तो ये सब जो भी इनोवेशन हमने देखी है लास्ट 10 साल में देखी है, बहुत सारे नए नए ऐप्स आए हैं,
हर एक अगेन ऐप में भी एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, हर एक ब्रोकर अपना जब भी ऐप लाता है तो एक वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ आता है, या तो उसके चार्जेस कम होते हैं या वो एडवाइजरी इनबिल्ट कर देता है इसमें कि मान लीजिए आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, निवेशक हैं, और आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड की यूनिट लेनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी 6,000 से ज़्यादा स्कीम्स आज की तारीख में इंडिया में अवेलेबल, तो कई बार रिटेल निवेशक जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको सही तरह से गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए बहुत सारे ब्रोकरों ने अपने ऐप में ही एडवाइजरी मॉड्यूल भी इनबिल्ट किया हुआ है, तो ये भी एक इनोवेशन है जो ब्रोकर्स लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे वैल्यू प्रोपोजिशन है जो हर एक ब्रोकर लेके आता है अपने ऐप में, वेबसाइट में, और फिर आप उनके जो भी ब्रोकर्स हैं उनकी जो भी कंपेयर करके, उनका कॉस्ट, उनकी ब्रोकरेज, उनकी सर्विसेज के ऊपर कंपेयर करके आप एक सही ब्रोकर चूज कर सकते हैं। मेरी खाली एक सलाह है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनरेगुलेटेड हैं, तो इट वुड बी बेटर जो आप अगर कोई भी अकाउंट डीमैट या ब्रोकिंग अकाउंट खोलेंगे तो एक बार हमेशा ध्यान रखिए कि सेबी जो है इसकी बहुत बड़ी ताकत है, सेबी के पास बहुत पावर्स दिए गए हैं पार्लियामेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो वो ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चूज कीजिए जो सेबी रेगुलेटेड है। अगर आप एक अनरेगुलेटेड एंटिटी के साथ कुछ भी सौदा करेंगे तो वो केस में सेबी आपको आके प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, तो अगर आप रेगुलेटेड ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ करेंगे तो सेबी की भी ताकत आपके पीछे रहेगी, आप एज अ रिटेल यू नो निवेशक। तो ये मुझे बताना था। कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो वी विल टेक इट लेटर ऑन। मैं अभी मेरे कलीग संजय न्यून्स को इनवाइट करता हूँ, वो आके एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको देंगे इसके ऊपर, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप प्लीज़ पूछिए, ताकि यू नो ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sir has very well briefed about what exactly we have to do and what precautions we have to take while dealing in capital market. Friends, first of all, my name is Sanjay Nunes, and on behalf of CDSL, I welcome you all and thank you very much for your patience. You guys are lucky. From morning, we are talking about entrepreneurship. I assume that all at present, by end of this day, all have become entrepreneurs, right? But after that, what? You have ample of money with you. How to manage your money, and for that reason we are here to guide you. Theek hai friends? So talking about, just to brief about my company, I am representing CDSL. CDSL is a first and only listed depository in Asia Pacific. As you are aware that CDSL is a listed company. You can buy shares of CDSL and become shareholders of CDSL, right? CDSL was incorporated in December 1997. The major shareholders, as you are aware, the shareholders are the part owners of the company. To name few major shareholders, HDFC Bank, Bombay Stock Exchange, known as BSE, followed by Standard Chartered Bank, LIC, Canara Bank, are few major shareholders of CDSL. CDSL is the first and only depository to operate in GIFT City in Gujarat. Friends, as you are aware that that ISO certifications are very important, right? So we have achieved ISO certification context of IT systems and processes, business continuity management systems, e-voting process, and so on and so forth. These certifications are very important in terms of trust. Based on these certifications, the investors get a trust that your securities in CDSL are safe and secured, right? So friends, moving ahead, we have around 6.7 crore active demat accounts situated over 97% pin codes. As our MD and CEO, Nihal sir, has already given a brief that we have around 6.7 crore active DMAT accounts as on date. We have around 583 DPs. Friends, DPs are known as depository participants. DPs are the agents, basically. See, for example, I want to open a bank account, right? So I will not approach RBI, right? Obviously, I will search for a nearby bank and I will open a bank account. In same way, if I want to open a DMAT account, I will not approach depository directly in case of CDSL.
but I will approach the depository participants or the brokers who are the agents between the investor and the depository, right? So likewise, we have around 583 DPs. Talking about issuer companies, there are around 18,613 unique companies, 17,671 equity IISNs. IISNs are the nickname given to the securities admitted in CD, in depositories, and 34,593 other IISNs registered with us. So just I want to give a, I just want to know from you guys, and yes, you guys are lucky friends that you are getting this type of session at this early age. At our times, I'm not so old, but in my college days, we were not getting a chance to attend such type of seminars, right? So you guys are lucky. And you are again lucky that you have waited for this particular session. So I'm really thankful to you all. And in the morning, somebody, some of the panelists were saying that you will at least get 5%, but I'm guaranteeing you that by end of this session, you will get 100% out of this. I'm guaranteeing you. Now, why there is a need for saving? Can anyone, just 1 minute, one or two answers, quick answers I want. Why saving is important or why investment is important? Both ho gaya, subah se hum log entrepreneurship ke bare mein baat kar rahe the, business model samajh liya hum log ne, sab kuch samajh liya. Paisa bhi account, paisa bhi jeb mein, abhi uska paisa, paisa ke karne ka hai kya hum log ko? Kya karna hai paise ka? Leke ghumna hai ki kya karna hai? Future planning, why? Why future planning? Yes, please. Can you pass on the mic? Only one or two answers. We have running short of time. We have given a time of by five. We have to wind up. Means our session basically. Why there is a need for saving according to you? Yes. Perfect, perfect. Perfect, perfect. Fantastic. I really appreciate your answer. Any other answers? One more answer. Backside. Please pay attention. This is very important and serious topic. Please don't miss this. Any other answers? Anyone? Asset building, good. Freedom to pursue your dream career. But before starting this particular, moving ahead on the explanation, I would like to quote a famous adage by Mr. Benjamin Franklin. He says that, be aware of little expenses, a small leak can sink a great ship. Friends, see, whenever we discuss about money, we always think about big tickets, like say for I want to buy a vehicle, I want to construct a house, right? I want to buy a flat. But what about the unnecessary expenses? Daily unnecessary expenses, what we do about? We spend like, theek hai, small expenses, kya hota hai? Everyday spending 100 rupees, se kuch farak nahi girta hai. But friends, I'm guaranteeing you, you do a little maths at the end of the month. Jyada nahi, 10 minute wait ke aap thoda socho, to aapko andaaz aa jayega ki around, I'm taking 100 rupees per day. Around 3,000 rupees you are spending towards unnecessary expenses, which are not required at all. See, you guys might be getting 5,000, 10,000, whatever, pocket money. But at least start valuing your pocket money. It is your parents' money. They are also earning hard. Okay? So start valuing that pocket money, friends. And at least start investing, not 500, but at least start investing 100 rupees per month. This is the minimum amount I'm talking about. And that will build a corpus at the end of your, till you retire. And that will be a huge corpus. Aaj aapne ek tree plant kiya, usme immediately fruits aate hai kya? Aate nahi aate. Theek hai, so have patience. Freedom to pursue your dream career. Everybody, including me, have some of the other dreams to be achieved. Say for example, in my case, I want to build a house. In your case, it might be doing post-graduation in US or Europe, whatever. But have you thought about it? Have you structured a roadmap? That how I am going to achieve that post-graduation in Europe. Have you identified the best college? Do you know the admission process? Do you know how much fees I am going to pay? How I will reach there? Have you identified? Just jotting down on a piece of paper will not serve your dream career. You have to think about it.
एंड फॉर दैट यू हैव टू प्लान फ्रॉम टूडे इटसेल्फ. सी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग. रिमेंबर दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है मैं कल करूंगा वो निकलते ही जाएगा. सो दैट इज द रीजन वाई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग. सो पे अटेंशन टुवर्ड्स इट. आज के तारीख में आपको आप मुझे बोलेंगे कि सर हम लोग कहाँ अर्न करते हैं कि आप इतना बोल रहे हो सेविंग करो इन्वेस्टमेंट करो. मैंने पहले ही बोला कि पॉकेट मनी आपको मिलता है उसका क्या करते हो आप. सी नाउ डेज यू आर गेट यू कैन ओपन बैंक बैलेंस विद जीरो अकाउंट मतलब जीरो बैलेंस. यू कैन ओपन एन अकाउंट विद जीरो बैलेंस. यू कैन स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट विथ ₹100 और ₹500. नाउ डेज द ब्रोकर्स आर गिविंग यू द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट. वॉट एल्स यू वॉन्ट. What else you want? Tell me. This much facility at present you have in front of you, and that is ready-made. Still, people are taking lightly because the financial literacy is not that focused, according to me, in India. There was a survey done. This year we are celebrating 75 years of independence, and hardly 25% of the population is financially literate. You Google it, you will come to know. Only 25% are financially literate. There is a huge gap. And that is the reason why these particular awareness programs are conducted. And one of the agenda by Government of India is creating awareness on financial literacy. On 10th of June, under Azadi Ka Amrit Mahotsav, we, Ministry of Finance, conducted around 75 programs on a single day, wherein finance minister was present virtually. What was the reason behind conducting these programs? Because the government is also keen that yes, financial literacy should be at that point wherein we can say that yes, I am an Atmanirbhar Niveshak or I am a self-sufficient investor. See, nowadays people are fooled due to Ponzi schemes. Koi bhi aapko, matlab, ye buy karo, wo buy karo, a stranger comes to you and gives you a tip that isme invest karo, usme invest karo. Friends, we blindly, without thinking, we invest based on their recommendation. How many of you actually do due diligence before investing? Rather than asking this question, I want to know that how many of you have bank account or rather how many of you have demat account? Can you please raise your hands? Bank account. So at least I am happy that I am on the right place. I am standing in at right place. So you start, friends, aapko sabar mobile buy karne ka rahega. तो आप कितना गूगल करते हो. 10,000 का मोबाइल बाय करना है आपको. आप कितना गूगल करते हो उसके फीचर्स देखने के लिए. आप कभी कभी फिजिकली वो पर्टिकुलर दुकान और शॉप में भी जाके देखते हो कि इसको डेमो कैसा है. जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब आप क्यों लैकिंग होते हो. जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन. फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी, एज मैडम हैज राइटली सेड, कोविड-19 हैज गिवन अ वेकअप कॉल टू ऑल ऑफ अस. मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, राइट? मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. Huge medical expenses. Now, you know medical inflation is 4 times more than the current normal inflation. Suppose normal inflation 6% rahega, just hypothetical example. In medical inflation, direct 20% se wo chal raha hai. Matlab, direct 4 times. So from where, if you have not made any provision, if you are not having an emergency funds with you to face this financial storm, how you are going to survive? That emergency fund should be at least 6 months of your living expenses. I am repeating, that emergency fund should be at least 6 months of your living expenses. Talking about retirement planning, okay, leaving a financial legacy. Just don't take it otherwise. Just think for a minute that today is your last day in your life. And just look behind that, what type of financial legacy you have kept for your dependents. Is it a positive legacy or a negative legacy? Are you going to keep your dependents to pay your EMIs, or are you going to keep your dependents with surplus cash? The choice is yours. We are here, we will guide you, but ultimately you have to bring that plan into action. Retirement planning. Many people think that theek hai, retirement planning evening walk jane ka, morning walk jane ka, gardening karne ka ho gaya, books read karne ka ho gaya. After that what about your medical expenses? Suppose कोई international tour करना है तो क्या? Have you thought about it? For that you have to start your systematic investment plan known as SIP. Have you heard about this word SIP? Start investing and be consistent, friends. Bring that financial discipline among you within. It should come from within.
जस्ट अभी हाफ एन आवर के आप सुनेंगे यस यस नॉडिंग, यू विल नॉड योर हेड्स, बट आफ्टर दैट व्हाट? स्टार्ट एंड बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जून चल रहा है तो जून में मैं इन्वेस्ट करूंगा 500 रुपीज और डायरेक्टली सेप्टेम्बर में इन्वेस्ट करूंगा. नो, यू कीप असाइड सर्टन अमाउंट ऑफ योर पॉकेट मनी दैट यस फर्स्ट थिंग आई विल कीप असाइड एंड आई विल सेव एंड आई विल इन्वेस्ट. दिस इज द राइट अप्रोच. एंड इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर ड्रीम करियर, स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम टूडे इटसेल्फ. फ्रेंड्स, देयर इज अ गुड हिंदी शायरी, इट सेज दैट मंजिलों उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है. सो रिमेंबर दिस. ठीक है, इन्फ्लेशन. अभी क्या इन्फ्लेशन मतलब क्या? व्हाट इज इन्फ्लेशन? पेट्रोल का भाव क्या है आज की तारीख में, और 6 महीने पहले क्या था? 6 महीने पहले क्या था? 80 रुपये था कि 90 रुपीज था? कितना था? 80. टुडे आज का रेट क्या है? क्या है उसका डिफरेंस? का क्या मतलब है? द डिफरेंस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन. टाइम ऑफ वैल्यू. ठीक है, बट उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, इसके लिए हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं. उनके लिए ऑप्शन है तो हाउ टू बीट दैट इन्फ्लेशन. सी, सेविंग एंड कीपिंग योर सेविंग्स इन अ कबर्ड विल गिव यू मोर रिटर्न्स? नो. सो यू हैव टू इन्वेस्ट. इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट यू हैव वेरियस गुड्स इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट. यू कैन इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, राइट? सो दिस विल गिव यू गुड रिटर्न्स एंड दिस रिटर्न्स विल बी एबल टू मीट दैट इन्फ्लेशन, बिकॉज एज इन्फ्लेशन ग्रोज योर मनी ऑल्सो ग्रोज. ठीक है, सी देर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम्स, वन इज एक्टिव इनकम एंड सेकंड इज पैसिव इनकम. नाउ व्हाट इज एक्टिव इनकम? से फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉई. ठीक है, आई एम वर्किंग हियर, आफ्टर पुटिंग माई इनिशियल एफर्ट्स आई विल गेट मंथली सैलरी, राइट? डू यू एग्री विथ मी? सो दैट इज एक्टिव इनकम बिकॉज आई एम पुटिंग माई इनिशियल एफर्ट्स. वॉट इज पैसिव इनकम? ठीक है, आई अर्न माई सैलरी, आई विल नाउ इन्वेस्ट, आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट आई विल गेट रिटर्न्स. फॉर दैट रिटर्न्स आई एम आई पुटिंग माई इनिशियल एफर्ट्स? नो. सो दैट इज नोन एज पैसिव इनकम. सो वेन एवर यू आर प्लानिंग योर बजट, सी टू इट दैट यू टेक इन टू कंसिडरेशन दिस टू इनकम्स नोन एज एक्टिव एज वेल एज पैसिव, बिकॉज दिस इनकम्स बिलोंग्स टू यू. एंड वेन यू विल प्लान अकॉर्डिंगली, इट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स ऑन टाइम. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. सी, फाइनेंशियल प्लानिंग विल मीन्स व्हाट? आई एम गेटिंग ए मंथली सैलरी, सो आई हैव टू जॉट डाउन हाउ मच इज माई इनकम, हाउ मच इज माई एक्सपेंसिज, राइट? हाउ मच विल बी माई इमरजेंसी फंड्स, हाउ मच विल बी माई सरप्लस इनकम, आफ्टर दैट हाउ मच आई शुड इन्वेस्ट एंड हाउ मच आई शुड कीप कैश इन हैंड, राइट? सो देर इज अ फेमस फ्रेज बाय मिस्टर वॉरेन बफेट सर, ही सेज दैट डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, इंस्टेड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग. बट वी फॉलो, वी इंडियंस फॉलो द ट्रेंड एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसिस. बट फॉरेनर्स गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेविंग्स, देयर फॉर्मूला इज इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसिस. सो वी हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर ट्रेंड, राइट? एसेट एलोकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एसेट एलोकेशन? हैव यू हर्ड अबाउट द फ्रेज डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? से फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1000 रुपीज विथ मी एंड आई डिपॉजिटेड दैट 1000 इन अ बैंक, एबीसी बैंक. टुमारो इफ द बैंक गोज बैंकरप्ट, देन व्हाट विल हैपन टू योर 1000? गॉन, लॉस. से फॉर नाउ दिस इज फर्स्ट सिनेरियो. टेक सेकंड सिनेरियो, आई हैव 1000 रुपीज विथ मी, आई विल इन्वेस्ट 200 रुपीज इन गोल्ड, 200 रुपीज इन कैपिटल मार्केट, 200 इन बॉन्ड्स, 200 इन रियल इस्टेट एंड 200 इन म्यूचुअल फंड्स. टुमारो इफ दैट बैंक गोज बैंकरप्ट, हाउ मच आई विल lose? Only 200 rupees. In first scenario, I was losing 1000. In second scenario, I am only losing 200. But that 200 loss will be compensated by another investment avenues. Because I have invested in gold, I have invested in mutual funds, that will appreciate. So, asset allocation is nothing but to minimize your risk. It will minimize your risk. And friends, remember one thing. You invest wherever you invest, but there is inherent risk. आप ट्रैफिक को रोक सकते हो क्या? रोक सकते हो? आपको ये टेलीकॉल कॉलिंग आते हैं रोज के रोज, कुछ ना कुछ कॉल्स आपको आते हैं, आप रोक सकते हो क्या? रोड ट्रैफिक आपको जाम है, ट्रैफिक जाम है, वो आपको फ्लो से चलना ही पड़ेगा. इन द सेम मैनर इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो सेम हैपन्स, देर इज सम अदर रिस्क, यू हैव टू डाइजेस्ट दैट रिस्क.
विदाउट मतलब बैंक में कुछ भी करो, कहां पे भी थोड़ा तो रिस्क है, और वो बोलते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, बराबर है ना, तो अपने को वो ध्यान में रखना चाहिए। इन म्यूचुअल फंड्स, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड म्यूचुअल फंड्स? क्या है म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द, यस म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। सो इन म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? सी म्यूचुअल फंड्स इज इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट। सी देयर आर टू सोर्सेस टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, डायरेक्टली यू कैन इन्वेस्ट और इनडायरेक्टली यू कैन इन्वेस्ट। इनडायरेक्टली मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे को नॉलेज नहीं है मगर स्टिल आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट, सो आई विल टेक द रूट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वाई? बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर हैंडल बाय प्रोफेशनल्स हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, दे विल टेक केयर ऑफ योर मनी। यू हैव टू गिव, जस्ट यू हैव टू टेल देम द वॉट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड यू हैव टू सिलेक्ट द स्कीम इन विच स्कीम आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट। से फॉर एग्जाम्पल देर आर ग्रोथ फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, ठीक है, सो यू हैव टू गिव देम डायरेक्शन दैट इन विच फंड्स आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ यू दे विल इन्वेस्ट एंड दे विल गिव यू गुड रिटर्न्स, ठीक है। एंड पास हिस्ट्री हैज प्रूवन दैट इफ यू स्टे इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स और इन कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज, येस यू विल गेट गुड रिटर्न्स। डोंट बी अ स्पेक्यूलेटर और डोंट बी अ ट्रेडर, बी अ इन्वेस्टर एंड दैट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। नाउ डेज पीपल वॉन्ट फास्ट मनी, ठीक है ना। पहले दिन एज यू माइट बी हर्ड अबाउट IPOs, राइट, फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग दे वॉन्ट मनी इन देयर पॉकेट विद गुड, मतलब हेफ्टी प्रॉफिट चाहिए उनको, अदरवाइज दे स्टार्ट ब्लेमिंग कैपिटल मार्केट दैट कैपिटल मार्केट में लॉस होता ही है। अरे मगर लॉस क्यों होता है? आपने आपको होमवर्क, से फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई सेड कि हैव यू डन योर ड्यू डिलीजेंस, हैव यू डन योर होमवर्क विदाउट स्टडिंग वेदर यू विल प्रमोटेड इन नेक्स्ट क्लास और नॉट, यू हैव टू स्टडी ना, यू हैव टू डू होमवर्क। सेम केस इन्वेस्टमेंट में भी होता है। आपको सब आपकी कंपनी, आपको कोई आके बोलता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करो, ABC कंपनी में इन्वेस्ट करो, 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करो, आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे क्या? सपोज आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेंगे देन यू डोंट वैल्यू मनी, और ऐसे हो रहा है आजकल IPO में, वैसे ही तो हो रहा है। मेरा फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया इसके लिए मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, और आप रिजल्ट देख रहेंगे। आई डोंट वॉन्ट, वी आर नॉट अलाउड टू टेक नेम्स, बट यू कैन सी वॉट इज हैपनिंग। वॉट इज द रीजन? रीजन इज वी शुड ब्लेम अस, वी शुड ब्लेम, आई शुड ब्लेम माई सेल्फ दैट मैंने प्रॉपर से स्टडी नहीं किया उसको। आई शुड नॉट ब्लेम कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज वेरी सिंपल एंड इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स when you will do proper research, when you will do proper fundamental analysis of a particular company, ठीक है। Suppose the company के against case चल रही है, ठीक है, say for example आपको एक land खरीदना है और उसका title dispute में है, आप उस वो particular land में invest करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? Because it is already complicated. The same way, if there is case against that particular company or whatever, the fundamentals are not good, whether you will invest your hardcore money in that particular company? So this small things you have to consider before investing. At least read some the prospectus of that particular company, at least take the initial efforts to read some pages, important paras of that particular prospectus. That will help you to give you direction that yes, mera hardcore money usme invest karna chahiye ki nahi, theek hai. This is a very serious topic, friends. Now people are means have made loss in IPOs. The reason is why we have not done proper due diligence, so please avoid this, theek hai. म्यूचुअल फंड इज डाइवर्सिफ, इट विल हेल्प यू डाइवर्सिफिक। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपीज है तो फिर पूरा 100 रुपीज एक ही में, नो, दे हैव डाइवर्सिफाइड अदर सेक्टर्स, दे विल, द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स विल टेक केयर ऑफ दिस योर फंड। सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑल्सो गेट टैक्स एडवांटेज अंडर सेक्शन 80C इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, सो दैट इज ऑल्सो। एंड यू आर प्रोफेशनली, द फंड मैनेजर्स आर एक्सपर्ट्स, सो दे विल टेक केयर ऑफ योर मनी, ठीक है। सो इट इज प्रोफेशनली मैनेज्ड। Introduction to capital market. Capital market, as you are aware, that it is buying and selling of securities takes place through capital market. We have already discussed about primary market. What is, as companies are coming for with an IPO. IPO is nothing but raising an capital from the general investors or the investors in order to for their expansion or whatever reason. Okay. So primary market, the company gets listed for the first time, or the particular company सेल स्टॉक्स टू द पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या है? एक बार कंपनी लिस्ट हो गई, ठीक है, नाउ इट इज सेकेंडरी मार्केट। नाउ यू कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज एंड द शेयर प्राइस फ्लक्चुएट्स ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, वॉट एवर, ठीक है। सो अगेन इन सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। एवरी यू हैव टू सी द क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट,
यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड रीड द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी टू नो दैट इन विच कंपनी इज गुड. यू शुड नो हु आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू सिक्योर योर मनी. ठीक है, प्राइमरी मार्केट जस्ट अ डिफरेंशिएशन दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग. प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर इशूड फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक. ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इशूड एंड लिस्टेड इन सेकेंडरी मार्केट, ऑलरेडी द कंपनी हैज लिस्टेड, ट्रेडिंग टेक्स प्लेस ऑफ ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज. ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू इशू मार्केट. देन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट आर कंसिडर्ड बाई इश्यूअर कंपनीज इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर्स. मर्चेंट बैंकर्स आर बेसिकली इन लेमन लैंग्वेज दे आर द कंसल्टेंट्स हु हेल्प द कंपनी फॉर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड टू सेट वन प्राइस फॉर द कंपनी टू कम अप विथ एन IPO. ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स RTAs आर नोन एज अ रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट्स हु विल टेक केयर ऑफ योर सिक्योरिटीज. एंड पर्पज ऑफ प्राइमरी मार्केट एज आई सेड इज टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन. इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी वॉट दे वॉन्ट टू एक्जैक्टली. सम बोरो द फंड्स टू रिड्यूस देयर डेप्ट, सम रेज द फंड्स फॉर एक्सपांशन ग्रोथ, वॉट एवर. इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी. दैट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट. वी आर ओनली कंसर्न दैट वेदर दिस पर्टिकुलर कंपनी इज गुड फॉर मी ऑर नॉट, दैट्स इट. वो कंपनी काय के लिए पैसा रेज करती, दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. बट वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन दैट येस, वेर आई एम पुटिंग माई मनी, दैट कंपनी इज सेफ, दैट्स इट. ठीक है, एज एज सर हैज ऑलरेडी डिस्कस दैट थ्री अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड सेविंग, आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेस मच अबाउट इट. सर हैज ऑलरेडी गिवन द दैट वॉट आर द प्री रिक्विजिट्स टू एंटर कैपिटल मार्केट. फर्स्ट इज सेविंग्स, ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट. बट फॉर ऑल दिस यू नो विटामिन एम. वॉट इज विटामिन एम? विटामिन एम इज वेरी मच रिक्वायर्ड. क्या है विटामिन एम? विटामिन एम इज नथिंग बट मनी, पैसा. सपोज आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कहाँ से ट्रेडिंग करेंगे, आप कहाँ से बाय करेंगे? ठीक है, जस्ट KYC डॉक्यूमेंट्स फॉर योर मीन्स KYC मीन्स बेसिकली इट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नाउ, वेदर दे वॉन्ट टू सी दैट यू आर जेन्युइन पर्सन और नॉट. सो पर पैन, एनी ऑफ द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड ऑन दिस स्लाइड, यू हैव टू सबमिट टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ब्रोकर्स विथ हुम यू आर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट. एंड एज ए सर हैज राइटली सेड दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, सी दैट, सी टू इट दैट दैट पर्टिकुलर ब्रोकर और DP इज रजिस्टर्ड विद SEBI और नॉट. सबको आपको बुखार आया तो आप अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं? क्यों जाते हैं? बिकॉज यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर हेल्थ. सेम वे यू शुड ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट योर वेल्थ एज वेल. ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो SEBI के साइड पे आप जाके भी देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट. हु कैन ओपन? इंडिविजुअल्स अप टू मैक्सिमम 3 होल्डर्स कैन ओपन अ डीमैट अकाउंट. HUF कैन ऑल्सो ओपन अ डीमैट अकाउंट थ्रू करता. माइनर कैन ऑल्सो ओपन अ डीमैट अकाउंट. NRI, corporate known as public limited company, public limited company can also open a demat account. Registered trust, only registered trust can open a demat account. Banks, domestic institutional investors and foreign portfolio investors can open a demat account. Dues before you start trade, deal only through SEBI registered. Okay? Get a clear idea about brokerage. See that what type of brokerage is offered by you, by the broker to you. There are also other discounted brokers available in the market, right? See also at the time of opening the demat account, trading account, see what type of facility this broker is providing to you. See the name, see reputation of that particular depository participant or the broker is very important. Okay, that is also is very important. And don't forget to get the photocopy of the documents which you have signed, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर रिकॉर्ड. अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने साइन ही नहीं किया था, बाद में आपको कुछ हो या मतलब वो कुछ मिस ऑथराइजेशन हो गया, तो आप अपनी चैलेंज करने के लिए आपको चाहिए ना कि मैंने यही डॉक्यूमेंट साइन किए थे. मेनी पीपल इग्नोर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो रिमेंबर, ऑप्टेन अ कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाई यू. ठीक है, एंड डोंट ट्रेड ऑन रूमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सी देर इज अ फेमस फ्रेज दैट रूमर्स आर कैरिड बाई हेटर्स, spread by fools and accepted by idiots. See, we all are educated, right? So we have to think that हम लोग बोलते हैं ना, इसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, मगर उसको खुद को नहीं मालूम उसको किसने बताया. ठीक है ना, तो टेक दिस इन टू कंसिडरेशन दैट रूमर्स मतलब क्या है. डोंट बिलीव ऑन स्ट्रेंजर्स. एंड आई वॉज हाईलाइटिंग दैट ड्यू डिलीजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कुछ भी बोले, मेरा पैसा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी. ठीक है, career opportunities, if you want to learn about capital market, VCDSL has a
टाई अप विथ अर्थ फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन. द बिलो लिंक इज देयर, यू कैन राइट डाउन द लिंक. इफ यू वॉन्ट टू विजिट, यू कैन टेक पर्सनल फाइनेंशियल फाइनेंस कोर्सेज अवेलेबल ओवर देयर. देयर आर वेरियस मॉडल्स मॉड्यूल्स वेर यू कैन स्टडी एंड यू कैन गेट सर्टिफिकेट्स. यू कैन हैव टू, यू कैन टेक अप द क्विज एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द क्विज सर्टिफिकेट विल बी इशूड फ्रॉम CDSL टू यू ऑल. दिस सर्टिफिकेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल बूस्ट योर करियर इन योर करियर. NISM, known as National Institute of Securities Market, offers uniquely positioned academic programs. The programs, the details of the programs are available on this slide. NCFM, okay, also provide e-learning courses on basic financial education, and also various courses are offered by stock exchanges. The links are shared below. So you can, if you want to really understand the personal finance, the capital market, okay, what do you mean by DMAT, what do you mean by mutual funds, what do you mean by budgeting, you should visit this particular site. It will be very helpful for you all, and it will boost your knowledge as well as it will help you for your career development. Avoid stock tips on social media. As I said, don't do trading or investment on based on rumors. ठीक है, हम लोग आपको कभी कभी कॉल्स भी आते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, ये पर्टिकुलर शेयर्स का भाव इतना बढ़ने वाला है. प्लीज़ डोंट. आजकल लोग टेलीग्राम का भी बहुत चक्कर चालू है, टेलीग्राम यू नो द ऐप, हाउ यूट्यूब में कुछ, डोंट बिलीव दिस बिकॉज अल्टीमेटली ना वो पैसा आपका है. वो जो करता है ना, वो जो ओनर है ना, उसको वो प्रॉफिट कमाने के लिए वहाँ पे बैठा है और वो प्रॉफिट आपसे कमा रहा है झूठ बोल के. ठीक है, तो प्लीज़ अवॉइड स्टॉक टिप्स ऑन सोशल मीडिया. बहुत कुछ चल रहा है, डिजिटलाइजेशन बहुत चल रहा है, मगर उसमें भी डूज एंड डोंट्स है. क्या एक्सेप्ट करने का, क्या मतलब एक्सेप्ट नहीं करने का, वो अपने हाथ में है. सो प्लीज सी टू इट दैट अवॉइड स्टॉक टिप्स ऑन सोशल मीडिया एंड बी अवेयर वाइल डीलिंग बेस्ड ऑन अनसॉलिसिटेड स्टॉक टिप्स. कोई कुछ भी बोले, वी हैव टू डू, माई जॉब इज टू go through that particular script or through that particular scheme that yes, ये जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं, वो research करने का जिम्मेदारी मेरा है. ठीक है, if you have any queries against any broker or any company, right, SEBI, you can register complaints on SEBI's course. You can write to us as well on given particular link www.cdslindia.com, complaints@cdslindia.com. We are there to help you out. And save digital world. ठीक है, how many of you share your ATM pin with your friends? How many of you? Nobody. ठीक है, so your pin is very important. Your password, or internet password, or whatever, your ATM pin is very important. So save digital world. ठीक है, digitalization चल रहा है, ठीक है, पर वो safe कैसा है वो अपने हाथ में है. So remember that. SEBI has recently developed one app known as Sarthi app, wherein you can download that particular app. It is available on Google Play Store. Please download this. At this age, it is very important, Sarthi app. That will help you to know more and more about securities market, and it will really boost your knowledge. Takeaways, be aware while dealing on unsolicited stock tips. Okay? Power of attorney. Power of attorney kya hota hai ki basically you are giving some power to somebody on take, means you are giving some powers to somebody on taking decisions on your behalf. But see to it that you give only specific power of attorney. You give only specific power. Don't give general power of attorney because there are chances of fraud. So remember that. Okay? And don't forget to register your nominees. Very important. Jab bhi aap bank account bhi open karte, mutual funds, demat account, whatever. See to it that there are nominees registered to your account. In COVID, many people all of a sudden passed away. But there was no nominee to their account. And finally, वो पैसा जाएगा किसके अकाउंट में, उसके लिए वापस वो प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर चालू होता है. सो डोंट फर्गेट एंड एटलीस्ट इन्फॉर्म वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर अबाउट वेर योर इन्वेस्टमेंट्स आर, वेर आर योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स. बिकॉज इन कोविड आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन दैट पैसा है अकाउंट में, बंदा वहाँ पर हॉस्पिटलाइज में एडमिट है, मगर फैमिली मेम्बर्स को मालूम ही नहीं है. और फिर वो दे आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ रिलेटिव्स, दे आर बोरिंग मनी फ्रॉम बैंक्स. पैसा है उनके अकाउंट में, जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उनके अकाउंट में बहुत पैसा है, किसको मालूम ही नहीं है. मगर सो दैट इज द रीजन वाई एटलीस्ट इन्फॉर्म वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स.
ठीक है, एंड अबाउट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वेयर यू हैव केप्ट द डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.